कहाँ तक हुआ था? अभी रिसेंटली क्लास हुई ना तुम्हारी? मिक्सिंग हाँ, मिक्सिंग हो गया ना? रेडॉक्स रहा था। हाँ स्ट्रॉन्ग है सेट, स्ट्रॉन्ग बेस। स्टेटस नहीं स्टार्ट हुआ क्या? नहीं देख लिखो सिंपल टाइट्रेशन में। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल टाइट्रेशन। इसमें पहला हमने पढ़ा एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कर लो, ज्यादा अच्छा। एस एसिड एस बेस टाइट्रेशन। एट एंड पॉइंट क्या होगा? व्हाट विल हैपन एट एंड पॉइंट? एट एंड पॉइंट क्या होगा? मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। सर। इसे क्वेश्चन दिया है। आप एक बार लास्ट क्लास का सबसे लास्ट नोट दिखा सकते हो? लास्ट क्लास में मुझे याद नहीं किधर है तुम लोग। ये मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ही करवाया था ना? यही है ना? बैच टू हाँ सर। ये देखो करवाया है, यही है बस। उसके आगे कहाँ कुछ किया है? इतने करवाया है, ठीक है, दैट्स इट। यही इतने लिखा हुआ है इसमें, और कुछ नहीं है यार। ये तो दूसरी बैच का है। सर नहीं, यहाँ तक ही था ये हमारी बस में। देखो अब मेरी बात ध्यान सुनो। मिली इक्विलेंट ऑफ एसिड किसके बराबर होंगे? मिली इक्विलेंट ऑफ बेस के। एग्जांपल लेता हूँ, एक 10 ml वन नॉर्मल H2SO4 रिएक्ट्स विद NaOH सॉल्यूशन फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ट्वेंटी एम एल NaOH रिक्वायर्ड। फाइंड दी मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन। कैसे करोगे? क्या आंसर आएगा? जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा ना तो एंड पॉइंट आ जाएगा, मीन्स रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड एट दैट पॉइंट। सर हाँ बोलो। सर आपने MEQ क्या है सर? मिली इक्विवेलेंट से लास्ट बताया था।
MEQ क्या है? मिली इक्विवेलेंस। नॉर्मल है और कोई माइनस 0.5 है। अभी भी देखते हैं, 10^-3 इंटू इक्विवेलेंस। ओके मैंने ऊपर लिखा यही है कि जब भी रिएक्शन कंप्लीट होगी तो मिली इक्विवेलेंट एसिड के बेस के बराबर होगा। आंसर बताओ भाई, एक ही आंसर आया है बस। जीरो पॉइंट फाइव एक बच्चे का आंसर है। देखो सिंपल लिखेंगे, मिलीक्विवेलेंट ऑफ एच टू एस फोर कितना होगा? 10। N1V1 N2V2 वाला पढ़ाया था ना, इसके यस N1V1 और इसके क्या होंगे? N2V2। N1V1 इक्वल टू N2V2, दैट इज मिलीक्विवेलेंट ऑफ एच टू एस फोर। कैसे लिखेंगे? N1V1 इक्वल टू N2V2। N1 कितना है? 1 नॉर्मल है। V1 कितना है? 10 ml है। N2 नहीं पता है, निकालना है। V2 20 है, N2 आएगा 0.5, क्योंकि NaOH का N फैक्टर 1 है, इसलिए नॉर्मेलिटी इक्वल टू N फैक्टर इंटू मोलरिटी वाले फॉर्मूले से नॉर्मेलिटी और मोलरिटी बराबर आ जाएंगे। 0.5 नॉर्मल है, ये 0.5 मोलर सेम है। समझ में आया? सर, बोलो। सब टाइट्रेशन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है वो बताओगे क्या? टाइट्रेशन का मतलब होता है अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ नोन सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे टाइट्रेशन बना देते हैं इसको, ये हमारे पास अननोन है। कैसा है ये? अननोन। अब जैसे वैसे नोन को यूज किया जाता है, हमने यहाँ पे अननोन के लिए बारे में पूछा है नॉर्मेलिटी का। अननोन को नीचे डालते हैं, ठीक है? कितना डालते हैं? नीचे रखते हैं। इसकी नॉर्मेलिटी हमें पता नहीं है। इसमें ब्यूरेट से हम क्या डालेंगे? बोलो। H2SO4। नोन सॉल्यूशन जो हमारे पास है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर स्पेस दे दो गिरने के लिए। ये हमारा एक ब्यूरेट हो गया, इसमें से बूंद बूंद ड्रॉप ड्रॉप डाल रहे हैं ब्यूरेट से, है ना? ये ब्यूरेट पे क्या होती है? रीडिंग्स लिखी होती हैं। इसको हाथ में पकड़ते हैं या स्टैंड में लगा लेते हैं, इधर स्टैंड में लगा होता है, और फिर धीरे धीरे डालते हैं। तो जब हम लोग इसमें डाल लेंगे सब कुछ सामान,
तो क्या होगा, एक पॉइंट पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। उसको करने के लिए हमें इंडिकेटर डालते हैं, इसमें कलर चेंज से पता चल जाता है। अब जैसे रिएक्शन कंप्लीट हुई तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ इसके जो मिल इक्विलेंट्स हैं, दैट इज जो हमारा H2SO4 है, जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, और जो हमारा NaOH है अननोन, दोनों के मिल इक्विलेंट्स बराबर होंगे। दिस पर्टिकुलर फेनोमेना इज कॉल्ड टाइट्रेशन। टाइट्रेशन क्या है, इट इज द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ एन अननोन सॉल्यूशन यूजिंग ए नोन सॉल्यूशन व्हिच इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड टाइटर, दिस इज कॉल्ड टाइट्रेंट, दिस कॉल्ड अननोन सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इतना होता है, ये पहली क्लास में ही बताया था। ओके, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट शुरू किया था ना, उस समय बताया था। सिंपल सी चीज है, टाइट्रेशन मतलब है अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता करना नोन सॉल्यूशन की हेल्प से। दूसरा क्वेश्चन है, 4 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेड अप टू 250 ml, 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्स 15 ml ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। फाइंड द नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। सर वो 15 ml है, एक 10 ml है, 15 ml है, 2 ml है बस। पहले 250 ml था, आंसर क्या है, आसान है ना, समझने में कोई दिक्कत? सर यस सर, आपने वो क्वेश्चन में क्या लिखा है, 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 15 ml ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, समझ नहीं आया। नहीं समझ में, आज टाइट्रेशन करा रहे हैं तुमको। जैसे हमने क्या किया है, यहाँ पे सॉल्यूशन के आगे और एक थोड़ा ऐड कर लो, ज्यादा समझ में आएगा, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। इनकी आपस में रिएक्शन करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं। हाँ, कितना H2SO4 रिक्वायर्ड है, सिर्फ 15 ml, लेकिन उस H2SO4 की नॉर्मेलिटी मोलरिटी नहीं पता है, वो निकालनी है। ये हमारे पास 4 ग्राम NaOH है, पानी में डाला, फाइनल वॉल्यूम 250 ml बनाया सॉल्यूशन का वॉल्यूम, इसका 10 ml निकाला। ये 10 ml रिक्वायर्ड कितने ml H2SO4 लगता है, 15 ml। इस 15 ml H2SO4 की नॉर्मेलिटी हमें नहीं पता है। ये वॉल्यूम को हम V2 मान लेंगे, ये वॉल्यूम को V1 मान लेंगे। यहाँ पे जो NaOH है इसकी नॉर्मेलिटी निकाल लो, N1 हो जाएगी, अननोन नहीं, नोन है। जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी तो हम लिखेंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 शुड बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, N1V1 शुड बी इक्वल टू N2V2। तो आंसर्स आर 0.5, 1/15, ऐसे करके आंसर्स आ रहे हैं सबके अलग अलग। तो फर्स्ट यू पीपल हैव टू आंसर, काफी आसान सवाल है। क्या किया पहले, NaOH को पानी में घोला, एक सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन का 10 ml लिया, उस 10 ml के सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए 15 ml H2SO4 लगा।
आंसर सर लेट मी चेक देखो यहां से नॉर्मलिटी निकालो कितनी आएगी इसकी नॉर्मलिटी मोलिटी के बराबर होगी एन फैक्टर वन है फोर बाय टेन 0.4 कितने लोगों का 0.4 नॉर्मलिटी आई थी प्रणव हांडे का आया था अनुजा का आया था वेरी गुड सिंपल फॉर्मूला लगाना है इस सॉल्यूशन का 10 ml लिया है ना उसी से रिएक्शन कराई है तो 0.4 एन टू कितना है नहीं पता वॉल्यूम कितना है 15 ml 4/15 इज द आंसर 4/15 0.27 के आसपास आएगा नॉर्मेलिटी ओके क्या इतना आया था तुम लोगों का नॉर्मेलिटी बोलो फोर बाय फिफ्टीन वाले कितने हैं हैंड रेज करें दिव्यांश नहीं आया प्रणव हांडे का केवल सही है अनुजा का 0.4/3 है सर वो मोलारिटी है जो मोलारिटी है ओके ओके तो वो इनटू 4 का फैक्टर नहीं ऊपर तुमने मोलारिटी फाइंड किया वेरी गुड कोई बात चलो ठीक है ये नॉर्मलिटी निकाली हमने क्या निकाली नॉर्मलिटी मोलारिटी कितनी होगी मोलारिटी ऑफ H2SO4 कितनी होगी नॉर्मलिटी अपॉन एन फैक्टर सर वो एन टू निकालने के लिए सर मैंने वो 10 के बदले 250 लिया और वो 15 के बदले 375 वैसे भी हो जाएगा ना जिसके साथ टाइट्रेट कर रहे हो ना उतना ही वॉल्यूम लेना है तो उसमें कुछ दूसरा नहीं ले सकते हो ना एन फैक्टर कितना है H2SO4 का बताओ व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ H2SO4 2 तो 4/30 कितना आएगा ये 2/15 एक हमारे पास आंसर 4/15 एक आंसर 2/15 है दोनों आंसर चेक कर लो अपने अपने दोनों आंसर चेक कर लिए एक ऑलमोस्ट 0.27 है एक ऑलमोस्ट 0.13 0.14 है जीरो पॉइंट टू सेवन और 0.14 दीज आर द आंसर्स सबके आए थे यही आंसर अभी बताओ क्या गलती करी है तुम लोगों ने कहां पे एनीवन देखो प्रणव हांडे का आंसर तो सही आया है दैट मीन्स कि कुछ लोग कर ले रहे हैं और अनुजा का भी आंसर 0.4/3 मोलरिटी का सही है और 8/30 वाला जो है वो 4/50 नहीं होता है वो भी 12 नंबर का सही है तो ये तीन चार लोगों के आंसर सही है यस यस 8/30 या 4/50 दैट सेम थिंग वो लगभग लगभग सबका सही है जितने आंसर दिया है हो गया कोई दिक्कत नो सर स्ट्रेंथ कितनी आएगी बताओ स्ट्रेंथ नॉर्मलिटी कितनी है 4/15 इक्विवेलेंट वेट कितना है 49 स्ट्रेंथ अगर पूछा जाए तो कितनी आएगी यहां से कैलकुलेट करके बता सकते हो तो सॉल्व कर लेना और आंसर आ जाएगा सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ कितना आया कम से कम आंसर जो है तुम्हारा वो आएगा 13 से थोड़ा सा कम आएगा कुछ
जल्दी से फटाफट कैलकुलेट करके बताओ आंसर क्या है। स्ट्रेंथ अगर पूछा है, स्ट्रेंथ पढ़ाया क्या होता है, मोल कांसे ने पढ़ाया था, याद करके रखना पड़ेगा सर। 4 × 49 / 15 तो ये वैल्यू आएगी 13 point something, 13 मान लिया हमने। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ये वाला फॉर्मूला लास्ट क्लास में कराया है। ओके कराया था कि नहीं कराया था? यस सर कराया था। ओके समझ गया, अभी कोई दिक्कत इस सवाल में? एनी प्रॉब्लम? ऐसे सवाल कर लोगे एग्जाम्स में? N1V1 N2V2 लगाना होता है, सॉल्व करना होता है। कभी भी वही वॉल्यूम लेना है जिसको टाइट्रेट करा गया है, स्टार्टिंग में वॉल्यूम था उससे मतलब नहीं। हमने कितना वॉल्यूम लिया है वो यहाँ पे रखना पड़ेगा, हमने कितना वॉल्यूम इधर लिया है वो यहाँ पे रखना पड़ेगा। नॉर्मेलिटी आ जाएगी, मोलरिटी का फॉर्मूला पढ़ाया था नॉर्मेलिटी के रिलेशन के लिए। नॉर्मेलिटी इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलरिटी, यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 0.5 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिक्स किया गया 1 normal 10 ml H2SO4 के साथ, इसके मिक्स किए गए 20 ml। नेचर एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? नेचर ऑफ सॉल्यूशन एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन, नेचर का मतलब एसिडिक होगा या बेसिक होगा ऐसा। तो तुम्हें क्या याद रखना है कि जो H प्लस और मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ OH माइनस अगर वो बराबर है तो सॉल्यूशन बेसिक होगा, सॉरी न्यूट्रल होगा। अगर मिली इक्विवेलेंट्स OH माइनस के ज्यादा है तो सॉल्यूशन बेसिक होगा, और अगर मिली इक्विवेलेंट्स H प्लस के ज्यादा है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। याद लिखें, एसिड प्लस बेस अगर मिक्स किया हमने तो हमें क्या देखना है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड अगर ज्यादा है मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस से तो सॉल्यूशन कैसा होगा बताओ? एसिडिक। और अगर बेस का ज्यादा है? बेसिक। बेसिक होगा, अगर बराबर है तो न्यूट्रल होगा। यहाँ पे क्या है देखो, सॉल्व करके बताओ। न्यूट्रल, बेसिक केमिस्ट्री है तो तुम्हें आती है। बेस कौन सा है यहाँ पे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस को मान के चलना है, स्ट्रॉन्ग होता भी है। अब बोलो कितना आएगा मिली इक्विवेलेंट्स, कितने आएंगे मोलरिटी? अगर ये 0.5 है तो नॉर्मेलिटी कितनी होगी, एन फैक्टर कितना है? 2। तो एन फैक्टर 2 है, और बेसिक होगा। हाँ सॉल्व करो, सॉल्व करो। Let me see the answers. अरे बोलो, बेसिक बोलने सर। देखो इधर कितना इक्विवेलेंट है, 10 milli equivalent, और इसके ml कितने दिए थे, कितने ml दिए थे इसके? 20 सर। तो यहाँ n factor 2 है तो इसके नॉर्मलिटी कितनी आ जाएगी? 1। मिली इक्विवेलेंट्स कितने आ जाएगी? 20। इसके 20, इसके 10, तो फिर कौन बचा? बेस बचा ना, बेस इज ग्रेटर देन एसिड, मिली इक्विवेलेंट ऑफ रिमेनिंग बेस कितने बनेंगे? 20 माइनस 10, रिएक्शन हो जाएगी ना एसिड बेस, तो 10 मिली इक्विवेलेंट बचेंगे। कितने बचेंगे? 10।
जितना बेस है उतना ही क्या होगा OH माइनस, मिलिक्विलेंट ऑफ बेस शुड बी इक्वल टू मिलिक्विलेंट ऑफ OH माइनस, तो मिलिक्विलेंट ऑफ OH माइनस कितना होगा 10 मिलिक्विलेंट, मोलारिटी कितनी होगी, मोलारिटी कितनी होगी बताओ OH माइनस की, 10 मिलिक्विलेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना हुआ 30, 1/3 कितना आया 1/3। तो पीएच यहां से निकालने के लिए पहले पीओएच निकालना पड़ेगा, माइनस लॉग ऑफ ओएच माइनस, फिर वहां से पीएच निकाल लेना 14 माइनस पीओएच। जिन्होंने ये नहीं पढ़ा है वो इसको नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल जुलाई बैच के बच्चे, जिन बच्चों ने इसको पढ़ा हुआ है वो इसको कर लेंगे। ओके, मेरा मेन जो काम है वो ये है कि हम लोग सर 14 से क्यों सेपरेट किया सबट्रैक्ट, पीएच प्लस पीओएच की वैल्यू 14 के बराबर होती है नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है। आयनिक पढ़ा है जिन्होंने उनको ये करना है, जिन्होंने आयनिक नहीं पढ़ा है वो इसको स्किप कर दें, उनको आयनिक पढ़ाएंगे। मेन काम है ये निकालना, यहां तक कितने लोगों को समझ में आ रहा है, क्लियर। OH माइनस ब्रैकेट मोलरिटी होता है, ओके और H प्लस OH माइनस दोनों का एन फैक्टर कितना है 1, तो जो नॉर्मलिटी है वही मोलरिटी आएगी, सेम आएगी, एग्री, कोई चेंज नहीं होगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर मोल कॉन्सेप्ट से करना है हमें, तो मोल कॉन्सेप्ट से करेंगे तो क्या होगा, COOH का होल टू H प्लस H2SO4 क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2O। अब यहाँ मोल कॉन्सेप्ट लगाओगे तो तुम्हें फिर मोल्स लिखने पड़ेंगे, इसके मोल्स कितने लिए हमने बोलो, 20 × 0.5 10 मिलीमोल, और इसके मिलीमोल कितने लिए, नॉर्मलिटी अगर 1 है तो मोलरिटी कितनी होगी 1/2 5 मिलीमोल, ये कितना रिमेनिंग बच जाएगा 5 मिलीमोल, ये तो 5 चला गया, ये इसमें से 5 चला गया, ये 5 बना, ये 5 बना, 5 मिलीमोल अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो OH माइनस कितने देगा डबल, यस और नो, कितने देगा डबल देगा ना, यस और नो, 5 के डबल देगा कि नहीं, यहाँ देखो तो यही आंसर आएगा ना फिर, तो इतना बड़ा सवाल करने का क्या फायदा जब तुमने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ। क्या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की समझ में आई इंपॉर्टेंस क्या है, विदाउट रिएक्शन देखे हुए हम बता सकते हैं, हम क्या बता सकते हैं कि अगर मेरे पास मिली इक्विवेलेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 10 है तो OH माइनस भी कितने देगा 10, अगर मेरे पास H2SO4 के मिली इक्विवेलेंट 15 है तो मिली इक्विवेलेंट H प्लस के भी कितने होंगे 15 होंगे। और एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है, मिली इक्विवेलेंट एसिड का H प्लस और मिली इक्विवेलेंट बेस का OH माइनस, इन दोनों की रिएक्शन होती है और उससे पानी बनता है, न्यूट्रलाइज होता है। अगर मिली इक्विवेलेंट्स बराबर है तो न्यूट्रल होगा, अगर मिली इक्विवेलेंट्स एसिड का ज्यादा है तो एसिडिक होगा, अगर मिली इक्विवेलेंट्स बेस के ज्यादा है तो बेसिक होगा। जैसे यहाँ पे एसिड के मिली इक्विवेलेंट्स जो हमारे पास थे वो 10 थे, बेस के मिली इक्विवेलेंट्स 20 थे, तो किसके बचेंगे बेस के, कितने बचेंगे 10, और बेस OH माइनस देता है तो मिली इक्विवेलेंट OH माइनस के भी कितने होंगे 10। यहां से नॉर्मलिटी निकाल ली और यही फिर हमारी मोलरिटी बन गई, ठीक है। यहाँ पे सेम क्यों आया आंसर, क्योंकि एन फैक्टर 1 है, जो मोलरिटी होगी वही नॉर्मलिटी होगी, तो ये OH माइनस हमने यहाँ पे लिख दिया है तो ये मोलरिटी हो गई है, तो यहाँ पे OH माइनस लिखा है ना तो इसको ये कर लो नॉर्मलिटी, क्योंकि मिली इक्विवेलेंट लिख दिया ना हमने, यही बता रहे थे अनुजा, ये मिली इक्विवेलेंट लिखा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे नॉर्मलिटी निकाल लो, अगर नॉर्मलिटी 1/3 है तो मोलरिटी भी कितनी होगी बोलो सेम, क्यों H प्लस और OH माइनस का एन फैक्टर 1 है, OH माइनस पे कितना चार्ज है सिंगल, तो तुम दोनों मेथड यूज कर सकते हो, मोल कॉन्सेप्ट, दिस इज मोल कॉन्सेप्ट, तो कौन सा तुम्हें इजी लग रहा है, मोल कॉन्सेप्ट और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट इजी लग रहा होगा, लेकिन छोटा कौन सा तरीका है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, ओके।
तो ऐसे याद रखोगे। एक और इस पे क्वेश्चन कराते हैं, उसको ट्राई करो। 1 molar H2SO4 reacts with 0.5 molar NaOH. इसके 250 ml लिए और इसके जो है हमने कितना ले लूं जो तुम्हारे लिए आसानी हो जाए कैलकुलेशन में, 250-350 ml लिए, और भी मुश्किल होगा, 250 ml ले लूं। बताओ फाइनल सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक और बेसिक? ओके, और उस फाइनल सॉल्यूशन का एसिडिक और बेसिक निकाल के उस फाइनल सॉल्यूशन में SO4 माइनस माइनस का कंसंट्रेशन निकाल लो। ये ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन, मोलारिटी। Na प्लस का निकाल लो, है ना, अगर एसिडिक है तो H प्लस का निकाल लो, अगर बेसिक है तो OH माइनस का निकाल लो, क्योंकि अगर एसिडिक होगा तो उसमें H प्लस होगा, बेसिक होगा तो उसमें OH माइनस होगा, दोनों एक साथ तो नहीं होंगे। और जो वाटर के आयनाइजेशन से H प्लस OH माइनस आता है उसको नेग्लेक्ट करो, दैट इज वेरी लेस। तो आंसर बताइए मेरा क्या है इस क्वेश्चन का, अगर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से करोगे तो काफी आसान होगा, काफी छोटा होगा। ऊपर करें, अभी बहुत सारे लोग यही क्वेश्चन में लगे हुए हैं, इसको पहले लिख लो। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द प्रीवियस क्वेश्चन आल्सो। मेरे हिसाब से लास्ट क्लास में भी ऐसे कुछ कराया था ना, तो कितने याद आना चाहिए। मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि नॉर्मेलिटी जो है ना उसमें रिएक्शन नहीं लिखना पड़ता। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 1 milliequivalent है तो OH माइनस कितना देगा 1 milliequivalent। milliequivalent जो होते हैं ना रिएक्शन में सेम होते हैं हर चीज के। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब ब्रेक होगा तो वो एक डिकम्पोजिशन मान सकते हैं उसको, रिएक्शन डिसोसिएशन। तो अगर मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 10 मिलीक्विवेलेंट है, OH- भी 10 मिलीक्विवेलेंट मिलेगा, 20 नहीं मिलेगा। मोल्स में ऐसा होता है, स्टोइकोमेट्री देखते हैं, वी हैव टू सी स्टोइकोमेट्री फॉर द मोल्स ओनली, मिलीक्विवेलेंट्स में बराबर होता है। आंसर सर,
8 answers are there only. Solution will be acidic. Are you telling this? Which concept you have applied? Mole concept or equivalent concept? I need to apply equivalent concept. Okay. I like this. N factor kitna hai iska? 2. So normality kitni ho gayi? 2 normal. Or 250 ml. So equivalents kitne huye? 500 milli equivalents of H2SO4. अगर H2SO4 500 मिली इक्विवेलेंट है तो H plus B कितना देगा? जल्दी बताओ कितना देगा? 500. Very good. 500 देगा. यहाँ बताओ इसका n factor कितना है? 1. तो normality भी कितनी होगी? 0.5. इसके मिली इक्विवेलेंट कितने आएंगे? 0.5 into 250 कितना आएगा? 1.5 कितने आएगा बस? मिली इक्विवेलेंट ऑफ एन एच और इतना ही ओ एच माइनस होगा. यस और नो? यहाँ तक कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? थोड़ा स्मार्ट ट्रिक है ये, इतना थोड़ा ध्यान देना है तुम्हें. तो कौन सा बचेगा, एसिड बचेगा या बेस? देख के बताओ. एसिड कितना बचेगा? एसिड रिमेनिंग एसिड कितना है? 500 माइनस 125 मुझे मिली इक्विवेलेंट चाहिए, कैसे निकालो तुम बताओ. सर 2 into 250. ओके. NF into EQ will give us, मतलब सर NF into ML will give us EQ sir, इसलिए for 500 MEQ of H plus basically. तो आया ना, सही आया ना? हाँ आया सर. और इधर वाला NMH में? सर NMH में आपको 0.5 N कैसे होगा? क्योंकि N factor 1 है ना, तो molarity normality के बराबर होगी. Okay. ये वाला formula याद है? ठीक है. तो n factor NMH का 1 है, तो इसकी नॉर्मलिटी भी कितनी होगी? 0.5 नॉर्मल. 250 ml अगर है तो मिली इक्विवेलेंट कितना होगा? 0.5 into 250 दैट विल बी 125.
जितना इक्विवेलेंट एनएच है उतना ही तो एच माइनस देगा, एग्री? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? लेफ्ट राइट दोनों जगह पे यस सर। आप बताओ रिमेनिंग एसिड कितना बचेगा, 500 माइनस 125 375, क्योंकि 125 तो एसिड न्यूट्रलाइज हो गया ना भाई, एसिड और बेस की रिएक्शन भी तो होगी, एसिड और बेस की रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, तो कितना एसिड बचेगा, 500 माइनस 125 375, यहां तक समझे तुम? मिली इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब बताओ एसिड का अगर मिली इक्विवेलेंट इतना है, दैट मींस रिमेनिंग एच प्लस कितना होगा, या डायरेक्ट एसिड और एच प्लस सेम ही चीज है यहाँ पे, रिमेनिंग एच प्लस के मिली इक्विवेलेंट कितने आए, 375 मिली इक्विवेलेंट, तो एच प्लस के मोल्स भी कितने होंगे, सेम होंगे कि नहीं होंगे मिली मोल्स, यस और नो? क्यों ऐसा लिख दिया मैंने, कोई बताएगा? क्योंकि मिली इक्विवेलेंट क्या होते हैं, एन फैक्टर इनटू मिली मोल्स, और यहां पे तुम ध्यान से देखो एच प्लस का एन फैक्टर कितना है, एन फैक्टर कितना है, वन एच प्लस का, एक ही चार्ज है ना उसपे, तो एच माइनस का भी वन होता है, तो आप बताओ एच प्लस का कंसेंट्रेशन कितना आएगा, ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, अब ब्रैकेट नीचे लगाना है, एच प्लस मिली मोल्स कितने हैं, 375 मिली मोल्स ऑफ एच प्लस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, एमएल में। अच्छा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो चुका है अभी, कितना हो चुका है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कोई बताएगा कितना हो चुका है इन दोनों का, 500। वेरी गुड, कितना हो गया अभी, 500। इसमें क्या लिया था, H2SO4, इसमें क्या लिया था, NaOH, मिक्स करके यहाँ पे क्या बना, 500 ml सॉल्यूशन। इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें कुछ H2SO4 रहेगा और कुछ क्या रहेगा, NaOH, सॉरी Na2SO4। अब तुम्हें यहाँ देखना है, मैंने मान लिया कि इस तरीके से हुआ रिएक्शन, तो अभी मिली मोल्स कितने आए H+ के, 375 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ, इसको सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा, 3/4 तो 0.75, यस और नो? यस, ये आंसर आएगा, दिस इज द आंसर, यही मोलरिटी है और यही नॉर्मेलिटी है, एन फैक्टर वन है ना इसलिए। SO42 माइनस कितना आएगा, कोई बताएगा, जितना H प्लस है उतना ही तो SO4 भी आएगा मिली इक्विवेलेंट, यस और नो, बोलो भाई, यहां तक कितने लोगों को समझ में आया कि SO42 माइनस के मिली इक्विवेलेंट भी कितने होंगे, 500, लेकिन SO42 माइनस का कंसंट्रेशन पूछा है ना, मिली इक्विवेलेंट कितने SO42 माइनस के, 500, कितने लोग को ये समझ में आ रहा है, H2SO4 जितना था उतना ही तो होगा, ये सुनो सेम होगा कि नहीं होगा भाई, H2SO4 जब ब्रेक होता है तो उसके जितने भी कंपोनेंट हैं सबके मिली इक्विवेलेंट बराबर होंगे, H2SO4 अगर 500 है तो H+ भी 500 बनेगा और SO42- भी 500 बनेगा, लेकिन बताओ SO42- का एन फैक्टर कितना है, कितना है, कितना चार्ज है उस पे, 2, तो मिली मोल्स कितने आएंगे, डिवाइडेड बाय 2, कितने लोग को ये फॉर्मूला पता है, मिली इक्विवेलेंट्स इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मिली मोल्स, तो मिली मोल्स कितने आएंगे यहां से, मिली इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय 2, तो 250 मिली मोल्स आए, तो कंसंट्रेशन अगर SO42 माइनस का निकालना है कितना आएगा, बोलो, मिली मोल्स अपॉन वॉल्यूम, 0.5 आएगा कि नहीं आएगा, NaOH का बताओ मुझे, Na प्लस का, सॉरी कितने मिली इक्विवेलेंट से, 125, तो Na प्लस भी कितना होगा, सेम, N फैक्टर भी 1 है, N फैक्टर भी कितना है, 1, तो मिली मोल्स भी कितने होंगे, 125, टोटल वॉल्यूम 500,
कितना आएगा सॉल्व करके बताओ? 0.4 अब बोलो किसको दिक्कत है? अब हम लोग ने फाइनल आंसर तुम्हें दिखाया, अभी बताओ दिक्कत किसको आती है मोल कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट? मोल कॉन्सेप्ट वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई, वी डोंट हैव दैट मच टाइम टू अप्लाई द मोल कॉन्सेप्ट। मुझे इसको थ्रू समझाओ, क्या इसके थ्रू समझ में आता है क्या? देखो तुमने कहां पे गलती करी है, मुझे थोड़ा देख के बताओ। मैंने सर इसमें 375 मिली इक्विवेलेंस ऑफ H2S4 निकाला, फिर उसका डायरेक्टली नॉर्मलिटी और मोलारिटी निकाला, मतलब हां सही है, तो उसे तो मैंने किया है, गलती कहां पे हुई? सर SO4 का सेपरेटली वेक्टर H+ का वैसे नहीं किया मैंने, लेकिन यहां इतना आंसर आया H+ का कि नहीं तुम्हारा? हां सर, मतलब नॉर्मलिटी आया 3/4 और फिर मोलारिटी 3/8 वो सब आया, हां पर फिर वो सेपरेटली नहीं निकाला था मैंने। ये सेपरेटली होगा ना, देखो देखो एक्चुअली सेपरेटली इसलिए होगा क्योंकि सब्सटेंस अकेला नहीं बचा ना, उसमें और भी तो चामाने है कि नहीं है, उसमें Na+ भी है, OH- भी है, तो OH- तो मान लो चलो नहीं है, H+ है, Na+ है, SO4 2- है, ये है, समझ गए? अच्छा कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर जब NaOH कम था लाइक दिस, अगर मोल कॉन्सेप्ट चले वो, अगर वो मोल कॉन्सेप्ट चले तो वो तो बोलेंगे सर कि यहाँ पे Na2SO4 अगर H2O रिएक्शन कंप्लीट करा रहे हो तुम, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? नेग्लेक्ट नहीं करना है। H2SO4 कितने मिलीमोल्स है बताओ? मोल कॉन्सेप्ट से जिसने किया होगा, करना नहीं चाहिए करना, 1 मोल 250, 0.5 मोल 250। देखो ध्यान से, 1 मोलर 250, 0.5 मोल 250, यही दिया है ना? यस और नो? इनके मिलीमोल्स कितने होंगे बताओ? कितने हुए? 250, इसके कितने हुए? 125। सबको समझ में आया ये? अच्छा लेकिन रिएक्शन क्या बैलेंस है? ये नहीं है ना, अभी बैलेंस है? यस और नो? इज दिस बैलेंस? इज दिस बैलेंस और नॉट? अरे भाई बोलो बैलेंस है कि नहीं है? चलो कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट? विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट? एनए एनएच। अच्छा एनएच इज द लिमिटिंग रिएजेंट, और क्या कहते हैं कि जो हमारा डाटा दिया हुआ था उसको मैंने पूरा लिखा हुआ है, डेटा में कोई गलती तो नहीं उतारने में? नो प्रॉब्लम, सही है डेटा। एनएच 0.5 और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 125। ये कंप्लीट रिएक्ट करेगा? ये कितना रिएक्ट करेगा? हाफ। उसके ऊपर मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? कितना? जीरो। ये कितना बनेगा? 125। ये कितना बनेगा बोलो भाई? इतना देर क्यों लगाते हो तुम लोग? मिलीमोल्स, ये रिएक्शन मोल कॉन्सेप्ट चल रही है, कितना बड़ा प्रोसेस। यहाँ पे कितना आंसर आएगा? ये जीरो। कितने लोग को ये समझ में आया मोल कॉन्सेप्ट? मिलीमोल्स इतने होंगे, यस और नो? पहले बताओ यहां तक समझ में आ रहा है? एनी डाउट्स? अगर मोल कॉन्सेप्ट से किया होता तो ऐसे ही करते ना, है ना? मोल्स पहले निकाल लो, मिलीमोल्स, फिर यूनिटरी मेथड से लगाओ और सॉल्व करो। ये क्या है, H2SO4 है या H+ है ये? व्हाट इज दिस? अगर H2SO4 इतने मिलीमोल है तो H+ कितना देगा वो टूटने पे? स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा टूटता है, कितना देगा? कितना देगा भाई? अरे बोलो जल्दी, इतना टाइम क्यों लगाते हो? 375। और सल्फेट कितना देगा ये? 275। कितना देगा? 375। और यहाँ पहले से कितना है बोलो? पहले से H2SO4 नहीं है क्या? यहाँ है ना ये वाला, कितना है? 125। तो ये दोनों मिल जाएंगे, इसको जो है जोड़ घटाना करना है और उसके बाद निकालना है तुम्हें कितना आता है।
ये तो H2SO4 सल्फेट हो गया। अच्छा H प्लस की अगर बात कर लें, H प्लस जो यहाँ से मिला है वो हमें कितना मिला है 375। H प्लस का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, 375 मिलीमोल्स डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम 500। आंसर वही आएगा जो पहले आया था। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे, ये मोल कॉन्सेप्ट या नॉर्मल कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, विच कॉन्सेप्ट इज गुड फॉर यू? आई थिंक इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट इज वेरी गुड, उसमें रिएक्शन बैलेंस नहीं करनी पड़ती ना। देखो सीखना पड़ेगा, एग्जाम में वही आता है जो तुम्हें तुमने प्रैक्टिस करी होती है, जिसने प्रैक्टिस नहीं करी होती है उसको बड़ा टाइम। आप SO4 वाला एक बार दिखा सकते हो? SO4 वाला देखो, यहाँ पे कहाँ गया, ये है, समझ में आया क्या भाई? SO4 सारा कहाँ से आ रहा है, H2SO4 से आ रहा है ना। H2SO4 अगर 500 मिली इक्विवेलेंट है तो SO4 के मिली इक्विवेलेंट कितने आएंगे, 500। फिर उसका एन फैक्टर जो होता है कितना होता है, 2। तो वहां से उसके क्या निकल आएंगे, मिलीमोल्स। मिलीमोल्स कितने आए, 250। और उसके बाद से सॉल्व कर लिए। सिमिलरली Na+ के लिए भी वैसे किया, काफी सिंपल हो जाता है, छोटी छोटी लाइनों में सवाल लग जाते हैं इससे, इसीलिए इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, इसमें गलती भी कम होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये। समझ में आया? अच्छा यहाँ पे एक चीज देखनी तुम्हें, ये आधा बनेगा एवरीवेयर, ये किसी ने ध्यान नहीं दिलाया, वाई ये आधा क्यों बनेगा बताओ, कोई बताएगा? क्योंकि ये 2 है यहाँ पे, तो उसके रेस्पेक्ट में हाफ बनेगा, ये तुम्हें नोट करके रखना है। यहाँ पे 125/2 है, यहाँ पे 500/2 250 मिलीमोल्स आ जाएगा SO42 माइनस, जो कि ऊपर भी आ रहा था, सेम क्वेश्चन इज देयर, यहाँ पे भी देखो सेम आ रहा था और यहाँ नीचे से भी सेम आया, बट कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे, ऑलवेज इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, अगर मोलरिटी नॉर्मेलिटी के फॉर्म में दिया है, नहीं भी दिया है तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट इज मोर इजियर। मोल कॉन्सेप्ट तो सिंपल होता है, बड़ा होता है, बट इट टफ नहीं होता, इट्स वेरी सिंपल थिंग, थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है उसमें, लेकिन करना पड़ेगा तो हो जाएगा। तो ये सारा सामान मैंने लिखा है यहाँ पे, यहाँ से भी सॉल्व करके देख सकते थे। ये हाफ क्यों आया है ध्यान रखना, वहां पे गलती से लिखा नहीं था मैंने, तुम लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया। ये 125 जाएगा तो कितना बनेगा, उसका आधा, और यहाँ पे ये 125 का कितना बनेगा, सेम बनेगा, डबल नहीं बनेगा, ये चीजें गलत लिख गई हैं यहाँ पे। बोलो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं भाई? ये 125 गया तो ये कितना बनेगा, 2:2 का रेशियो है, सेम रेशियो में बनेगा, ये 125 बनेगा, ये 25, सेम ही लिखना है, 125/2, फिर नीचे उतर नीचे उतर। थोड़ा ध्यान दो, ये इसलिए सिर्फ बताया है कि दोनों से आंसर तो सेम आएगा, गलत नहीं आएगा आंसर, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में क्या नहीं करना पड़ा, रिएक्शन नहीं लिखनी पड़ी। क्या नहीं लिखनी पड़ी इस कॉन्सेप्ट में, कहीं पे भी रिएक्शन लिखी थी क्या हमने, क्या बड़ी जल्दी कर लिया था सॉल्यूशन की नहीं, ये सुनो। तो ये तुम्हें याद रखना है कि ये वाला कॉन्सेप्ट ना थोड़ा छोटा होता है, काफी कम टाइम में कर सकते हो। तो उतना तो क्वेश्चन ही लिखा था, ये डेटा उठाया, ये डेटा उठाया, इन दोनों डेटा को यूज करके एच प्लस के मिली इक्विवेलेंट निकाले, फिर वहां से कंसंट्रेशन निकाल लिया, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे किया, आंसर आया। इसमें भी वैसे ही है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन रिमेनिंग जो एजेंट है वो भी इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो भी ब्रेक होगा, इसकी नेक्स्ट रिएक्शन लिखनी पड़ी, वहां से H प्लस निकाला, सल्फेट 2 जगह से आ रहा है, यहाँ से और ऊपर से, उनको आपस में मिलाना पड़ा, है ना। सोडियम जो है वो यहाँ से आएगा 2 गुना इसका, Na2+ बन रहा है, मतलब Na2SO4 को भी तोड़ के दिखाना पड़ेगा, तब जाके Na+ निकालोगे। Na2SO4 कितना है, 125/2, Na+ कितना आएगा, 125। ऐसे करके सवाल करना पड़ेगा। आई थिंक तुम्हें ऊपर वाला मेथड यूज करना चाहिए, डायरेक्ट आंसर आए हैं सारे, देखो एक एक लाइन में, ये सुनो। अब आई होप तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये सवाल इतने भी टफ, ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केस है एसिड बेस का, जो कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम, बट आजकल भी पूछते हैं और हमेशा पूछते रहे हैं, तुम्हें करना पड़ता है।
सिंपल होता है, सबसे बड़ी जो चीज होती है वो ये होती है कि कौन सा रिएक्ट किया और कौन सा बचा, जो रिएक्ट किया है वो कितना रिएक्ट किया, लिमिटिंग रिएजेंट था कि नहीं, ये सब देखना पड़ता है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से करोगे तो रिएक्शंस नहीं लिखनी पड़ती, दैट इज द डिफरेंस ओनली। नंबर दूसरा लिखो रेडॉक्स टाइट्रेशन। टाइट्रेशन क्या होता है? अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता करना नोन सॉल्यूशन की हेल्प से। तो लिखेंगे इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और रिड्यूसिंग एजेंट की रिएक्शन होती है। तो एट एंड पॉइंट क्या होगा, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, मान लो हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो नोन है, रिड्यूसिंग एजेंट अननोन। तो रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग बीकर में ले लेंगे और ब्यूरेट में नोन वाला सॉल्यूशन भरेंगे। मान लो हमारा नोन जो सॉल्यूशन है वो ब्यूरेट में लगाया हमने और उस ब्यूरेट से ड्रॉप 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 डालेंगे, तो यहाँ पे इसके ऊपर जो है यहाँ पे ऐसे इस तरीके से यहाँ पे क्या कहते हैं घुमा घुमा के हम लोग डालते हैं, पॉइंट पॉइंट बूंद 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 डालते हैं। और ये जो ब्यूरेट है इस ब्यूरेट के अंदर हम नोन सॉल्यूशन भर लेंगे, वो मान लो मेरा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसकी नॉर्मेलिटी N1 है, वॉल्यूम V1 है, इसकी नॉर्मेलिटी N2 है, वॉल्यूम V2 है। तो एंड पॉइंट पे क्या होगा बोलो, केमिस्ट्री का कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? ऑलवेज जो बराबर होता है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। N1 V1 शुड बी इक्वल टू N2 V2। अगर इसकी नॉर्मेलिटी ना दी, मोलरिटी दी, तो N फैक्टर इंटू M1, N फैक्टर इसका N1 वाले का, यहाँ पे इसका n factor of 1 भी लिख सकते हो, यहाँ n factor of 2 into m2 into v2। बस इतना फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें सारा काम हो जाएगा। क्या एंड पॉइंट पे, एंड पॉइंट क्या होता है बताओ, व्हाट इज द एंड पॉइंट? रिएक्शन खत्म होती है। हाँ, जहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाए उसको बस बोलते हैं एंड पॉइंट। मतलब जितना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था वो सारा का सारा रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट कर गया। इसमें चार में से एक चीज अननोन रहेगी, कितने हमारे पास टर्म है, N1 V1 N2 V2, चार चीजें, उसमें से एक अननोन रहेगी। या नीचे वाले में क्या है, छह टर्म है तो उसमें से एक अननोन रहेगा, वो सॉल्व कर पाओगे, है ना। एक ही क्वेश्चन है तो उसमें एक ही अननोन हम लोग मैक्सिमम ले सकते हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करा देता हूं मैं। 2 मोल में अभी नहीं रहने, तो अभी मोलर में करते हैं। 10 ml 2 molar FeSO4 reacts with reacts with 20 ml KMnO4 completely in acidic medium. Find the completely लिखा है, ठीक है, मतलब पूरी रिएक्शन हो गई है, सारा का सारा KMnO4 और FeSO4 रिएक्ट कर गया। Find the normality and molarity of KMnO4 solution. अभी रिएक्शन पता होनी चित्त में कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में क्या बनता है, FeSO4 एसिडिक मीडियम में क्या बनता है। Because this is a redox reaction. ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन नहीं है कि जिसमें एन फैक्टर तुम एसिड को देख के बता देते थे। इसमें तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा ना कि अल्टीमेटली वो बन क्या रहा है। तो जैसे H2SO4 NaOH वाले में जो हमको देता है लिमिटिंग वगैरह भी रहता है, तो हम मान लेते हैं H2SO4 पूरा टूट रहा है, दैट्स गुड, तो आंसर हमेशा सही आता है। लेकिन जब भी FeSO4 KMnO4 या कोई भी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है, उसका एन फैक्टर रिएक्शन पे डिपेंड करता है कंप्लीटली। हमें पता होना चाहिए कि वो क्या बना रहा है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है। कौन बताएगा KMnO4 क्या बनता है एसिडिक मीडियम में, किस स्टेट में जाता है? एनीवन? KMnO4 विल चेंज टू विच ऑक्सीडेशन स्टेट इन एसिडिक मीडियम, कैन यू टेल मी? Any one of you guys?
क्या मैंने ये पढ़ाया नहीं है कि MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है, बेसिक मीडियम में किस में कन्वर्ट? सर एक्सप्रेस को कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, क्या बोले क्या बोले? सर एक्सप्रेस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। वो तो एसिडिक मीडियम दे रहा है ना, उसकी तो मतलब एसिडिक पर दिया ही नहीं। एसिडिक मीडियम करने के लिए है बस। नहीं, MnO2 में बच्चे नहीं जाता है उसमें तो। MnO2 में नहीं, MnO2 तो बेसिक मीडियम में। सर आयंस में टूटे होते। अरे भाई क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो, सिर्फ इतना बताओ ना, ये Mn+2 में जाता है और ये Fe+3 में जाता है, यस और नो? क्या पढ़ाया नहीं मैंने ये 50 बार तो लिखा होगा इसको क्लास में, यस और नो? भाई Fe+2 किस में ऑक्सीडाइज होता है? Fe+3 से ऊपर तो जाता ही नहीं है ना कभी ये। Mn+5 में जाता था कि नहीं जाता था? कितनी बार तो बैलेंस की रिएक्शन ये। तो n फैक्टर कितना होगा इसका? इसका कितना होगा? इसका कितना? 5 होगा एक का। और दूसरे वाले का? 1। बस हो गया सवाल। हम क्या लिखेंगे कंप्लीशन पे? क्या होगा? मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 शुड बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4, यस और नो? यस सर। अब KMnO4 के मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? N1B1 शुड बी इक्वल टू N2B2। N1 तो दिया नहीं है, उसकी जगह पे मोलरिटी दी है। तो KMnO4 के लिए लिख लो मोलरिटी, नॉर्मलिटी पूछा है, चलो नॉर्मलिटी पर निकाल लेते हैं। वॉल्यूम कितना लगा KMnO4 का? कितना लगा? हाउ मच वॉल्यूम ऑफ KMnO4 इज नीडेड? 20। V1 V2 किसको तुम ले रहे हो, इट्स अप टू यू, आगे पीछे कर सकते हो उसको, बट KMnO4 का KMnO4 में डालना है। जैसे हमने 1 KMnO4 को ले लिया है तो हम उसमें KMnO4 का डालेंगे। FeSO4 की नॉर्मलिटी कितनी है? नहीं दी है, मोलरिटी दी है। तो नॉर्मलिटी क्या होती है? एन फैक्टर ऑफ FeSO4 इंटू मोलरिटी कितनी? 2 और वॉल्यूम 10। कितने लोग को ये इक्वेशन समझ में आ रही है? दिस इक्वेशन। अरे 12 नंबर उसकी जरूरत नहीं है ना। K2SO4 में कहां ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ? सिर्फ इतना बताओ कि Fe किस में जा रहा है, +3 में जा रहा है ना। रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम कहाँ होता है एग्जाम में। हमें ये बच्चे पता होना चाहिए ना कि Fe+2 ऑक्सीडाइज होकर किस में जाता है। तो हमेशा याद रखो Fe+2 और Fe+3 में ही ऑक्सीडाइज हो सकता है, दैट्स इट। Fe+3 ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता फर्दर, खत्म काम। रिड्यूस दोनों हो सकते हैं Fe सॉलिड में, ये इसमें भी हो सकता है, डायरेक्टली इसमें भी हो सकता है, समझे? बोलो यस और नो। अरे यार बताओ क्या कुछ समझ में आ रहा है? आंसर बताओ क्या कितना आएगा? कितना आया? 1। कितना आया? 1 आया कि 2 आया? मॉडरिटी क्या होगी? आंसर नोट करो। बहुत बढ़िया, प्रणव वांडे इज करेक्ट। क्या ये क्लास में हुआ नहीं है क्या कि FeSO4 किस में जाता है, Mn किस में जाता है? एवरीथिंग इज रिटन इन योर नोट्स, यू हैव टू रिवाइज डेली 4 टाइम्स, देन यू विल बी रिमेंबर। एक बार रटने से नहीं होगा, बार बार पढ़ो उसको, बार बार प्रैक्टिस करो। MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में किस में जाता है? Mn+2 में। MnO4 माइनस बेसिक मीडियम में किस में जाता है? MnO2 में। MnO4 न्यूट्रल मीडियम में किस में जाता है? बोलेगा कोई? एनीवन? मैग्नेट में +6 में। -1 से -2 में चला गया, मतलब MnO4 -1 से MnO4 -2। ऑक्सीडेशन नंबर भी लिख देता हूँ, लिख लो। ये क्लास में लिखाया है मैंने तुम्हारी नोटबुक में, इसको नोट करना, घर में जाके फिर से एक बार ढूंढना कहाँ पे लिखा है। सर इतने सारे रिएक्शन याद रखने पड़ेंगे।
अरे भाई अब क्या कर सकते हैं, सारी कहाँ है, मैंने की तो याद नहीं कर पा रहे तुम लोग, सारी ये भी बताई कहाँ है, ये सुनो और कौन कौन सी याद करी बताओ, फिर एमएन की तो बता रहा हूँ इतने दिन से, ज्यादा कहाँ बता रहा हूँ। अरे क्रोमियम की तो एक ही याद रखनी है, क्रोमियम जो होता है वो बेसिक मीडियम वगैरह में सब में रिएक्शन करता नहीं है, क्रोमियम की बस एक याद रखो, क्रोमियम एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया जाता है सिर्फ एसिडिक मीडियम में, तो Cr+3 में जाता है, एन फैक्टर 6 होता है, बस दैट्स इट। इस पे क्वेश्चन दे रहा है सर, और किस-किस के रिएक्शन होंगे रिडॉक्स में, इतनी याद कर लो, बाकी तुम छोड़ दो, बाकी हम देखेंगे। आपको एक बार MN का वापस दिखा, दिखाऊं नोट्स में है, क्यों देखते हो उसको, जब नोट्स रिवाइज करोगे उसमें मिलेगा, इट्स इन द नोट्स, हाँ ये नोट्स में है, मुझे याद है ना, मैंने बताया है तुम्हारी क्लास में। तो तुम लोग को ये नहीं समझ आया कि +2 में जाएगा, एन फैक्टर नहीं पता था ना, इसलिए नहीं कर पाया ना सवाल, अभी पता चल गया। हाँ चला, बताओ ऑक्सिलेट आयन किस में जाता है, ऑक्सिलेट आयन किस में जाता है, बोलो। CO2। वेरी गुड, सब मोलर लेता हूं मैं तो, एन फैक्टर पता नहीं तुम लोग को, 1 मोलर है ठीक है। जो है रेडॉक्स कॉन्सेप्ट पढ़ाया, क्यों पढ़ाया, इसी के लिए पढ़ाया ना, यही सवाल आते हैं, वो थोड़ा ना पूछेगा एन फैक्टर क्या है, ये क्वेश्चन पूछेगा 10 ml Na2H4 रिएक्ट्स विद 1 मोलर 10 ml K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, find the normality, molarity and strength of Na2C2O4 solution. Strength पढ़ाया कि नहीं, strength? Strength पढ़ाया है ऐसे और नो? Yes sir. फिर भी नहीं बताते हो, जल्दी सॉल्व करो, बहुत आसान सवाल दिया है, गलत नहीं करना। तुम बोलोगे सर रिएक्शन दे दीजिए, रिएक्शन कितनी बार दूंगा, रिएक्शन क्लास में कराई है, उसको याद करना पड़ेगा सर। बताओ ऑक्सिलेट किस में जाएगा, CO2 में, और डाइक्रोमेट अभी बताया ऊपर किस में जाएगा, देखो किस में जाएगा, एसिडिक मीडियम में, CO2। बस हो गया, दो ही चीज तो चाहिए, इन दोनों का एन फैक्टर तो चाहिए सिर्फ, बाकी इक्विवेलेंट कांसेप्ट तो तुम्हारे पास है ना, इक्विवेलेंट कांसेप्ट क्या बोलता है कि आफ्टर द रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन होने पे मिली इक्विवेलेंट्स बराबर हो जाते हैं, दैट्स इट। कर लोगे रेडॉक्स साइट्रेशन, कई बार रिएक्शन लिखी होती है एग्जाम में, ऐसी बात भी नहीं है कि हर बार तुम्हें याद करना पड़ेगा, मेनी टाइम्स रिएक्शंस आर आल्सो देयर, लेकिन MnO4 वगैरह की रिएक्शन नहीं होती है, उसकी याद करना पड़ता है।
एक ही आंसर आया है, आई हैव टू सॉल्व नाउ. इतनी ज्यादा नॉर्मेलिटी कैसे आ गया अनुजा? 14 एन फैक्टर कितना निकाला तुमने उसका बताओ. देखो भाई देखो, 6 3 x 34. ओके इतना ज्यादा ज्यादा. मैं तुमको थोड़ा समझा देता हूँ. इधर देखो ईशान, किस मीडियम में है? विच मीडियम? जल्दी बोलो किस मीडियम में है? इसका एन फैक्टर कितना आएगा? 6 आएगा कि नहीं? कितनी बार याद करा चुका हूँ. कितने का चेंज? 3 का चेंज. 2 CR के लिए कितने का चेंज? 6. फैक्टर 6 हुआ. इसका एन फैक्टर कितना आएगा बताओ? सिर्फ कार्बन का ही तो चेंज हो रहा है. कितने का चेंज? 1 का चेंज, लेकिन 2 कार्बन से आएगा. तो इतनी बातें कितने लोग को समझ में आती हैं? नाउ इनके बीच रिएक्शन हो रही है तो क्या लिखेंगे? मिली इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2C2O4. नाउ मिली इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 कैसे निकालेंगे बोलो भाई? व्हाट इज द प्रोसेस? N1V1 ना. हाँ, अब अगर अब ऊपर क्वेश्चन में जाके देखो कि नॉर्मेलिटी के फॉर्म में दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन उसने मोलरिटी के फॉर्म में दिया, उसने फिर नॉर्मेलिटी मोलरिटी सब पूछी है. तो पहले तो मैं ये करता हूँ कि K2Cr2O7 की नॉर्मेलिटी के फॉर्म में लिखता हूँ. एन फैक्टर इसका 6 है, तो एन फैक्टर इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम. ठीक है, और दूसरे वाले की नॉर्मेलिटी निकाल लेता हूँ. कितना वॉल्यूम लगा है Na2C2O4 का? 10. यहाँ बताओ 6 मोलरिटी कितनी है? 1 और 10. कितने लोग को ये समझ में आया पहले बताओ? समझा सर. समझा फिर क्यों आंसर दिया? कितना है नॉर्मेलिटी? 6. अगर नॉर्मेलिटी 6 मोलरिटी 3 आएगा सर. कितनी आएगी? हाँ सर. एन फैक्टर कितना है इसका? 2. Na2C2O4 2 है ना, तो मोलरिटी क्या आएगी? नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय 2. 3 आएगी सर. हाँ, अब बताओ स्ट्रेंथ क्या होती है? 2 फॉर्मूले हैं, S इक्वल टू Ne वाला याद रखो, ज्यादा आसान है. नॉर्मेलिटी कितनी है? 6. इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? मोलरिटी से भी कर सकते थे, तो सब कुछ निकाल ही लिया है. इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा? 134. Na2C2O4 का मोलर मास निकालो, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर कितना है? 2. ये सब कितना आया? ये सब वो 134 है. 134 ना, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर लो. सर मैंने एक्चुअली एक जगह ओवरराइट किया था, तो उसके वजह से पूरा सम गलत हो गया. ओ अच्छा, 938 आएगा क्या? अरे स्ट्रेंथ सही बताओ भाई, स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा क्यों से आ रही है? हाँ सर इतनी है. सर 402 है. चलो ठीक है, पर काफी ज्यादा सामान मिला दिया था हम लोगों ने, ऐसा है. सही बात है, क्योंकि हम लोगों ने जो डेटा लिया है वो कोई रैंडम डेटा है, समझ रहे हो कि नहीं? तो आंसर ऐसे आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट कॉन्सेप्ट तुम्हारा समझ में आना चाहिए. आया समझ में? हाँ. सिंपल सी चीज होती है, उसी को देखना होता है बस. एन फैक्टर देखने होते हैं, मोलरिटी देखनी होती है, नॉर्मेलिटी देखनी होती है, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लगाना है, एवरीथिंग विल बी क्लियर. आ जाएगा. अब देखो नेक्स्ट है आयोडी मेट्रिक टाइट्रेशन, तीसरे नंबर पे लिखो. ये भी टाइप ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन है. इट इज ए टाइप ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन. इट इज ए टाइप ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन. क्या होता है इसमें देखना.
कुछ बहुत बड़ी चीज थी, सिंपल सा चीज है। हां बोलो क्या बोल रहे हो। एनीवन सर वो Na2C2O4 का वो n फैक्टर कैसे निकाला? निकाला यहां से निकाला, देखो कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है इसमें, कितने का चेंज हो रहा है। तो वो कैसे पता चला था कि CO2 होगा? अरे यार कितनी बार बता चुका हूँ, CO2 में जाता है एसिडिक मीडियम में, ठीक है। ऑक्सलेट आयन एसिडिक मीडियम में किस में जाता है? CO2। यहाँ तक कि ये बेसिक मीडियम में भी CO2 में जाता है, समझ रहे हो कि नहीं। क्या कार्बन का प्लस फोर से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। क्या कार्बन प्लस फोर से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं सर। प्लस थ्री से प्लस फोर में जाएगा ना वो, फिर जब उसको कोई ऑक्सीडाइज करेगा। हाँ वही बताने जा रहा हूँ, उसका बहुत अलग अलग है। आयोडीन आयोडीन I2 के फॉर्म में तो होता ही है, ठीक है। तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है या रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, इस पर डिपेंड करता है प्रणव, समझ रहे हो कि नहीं। तो जब आयोडीन ऑक्सीडाइज होता है तो IO3- में जाता है, वो बेसिक मीडियम में काम होता है। एसिडिक मीडियम में आयोडीन का ज्यादातर यूज करते हैं एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खुद रिड्यूस होकर के I- में जाता है, जैसे आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, सोचो आयोडीमेट्रिक नाम से समझ में आ रहा है, आयोडीन से मेट्रिक कर रहे हैं, मतलब आयोडीन इज नोन, आयोडीन नोन होती है और आयोडीन विच इज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट is used for titration of unknown reducing agents, like Na2, S2O3, hypo जिसको बोलते हैं, ये बहुत important है, that is called hypo solution, Na2S2O3, Na2SO3, Na2ASO3, sodium arsenide, sodium sulfide, etc. इनके लिए यूज करते हैं, ठीक है। तुम ध्यान लगाना इसमें, आयोडीन की रिएक्शन कराओ Na2S2O3 से, न्यूट्रल मीडियम हो कैसा भी मीडियम हो सब में करता है, Na2S4O6 बनाता है और NaI बनाता है। बताओ इसमें कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा रिड्यूस हुआ? दिस इज बैलेंस रिएक्शन, बट फॉर द टाइट्रेशन वी डोंट नीड बैलेंस रिएक्शन, वी नीड एन फैक्टर ओनली। कौन सी रिएक्शन हुई है, ये रेडॉक्स है कि नहीं है? कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? आयोडीन। और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है बोलो? हाइपो सॉल्यूशन, सोडियम थायोसल्फेट। इसका दूसरा नाम क्या है? हाइपो सॉल्यूशन इसको बोलते हैं। इसका नाम क्या है? नाम पहले बता चुका हूँ, बताओ क्या है? सोडियम टेट्राथायोनेट, सोडियम टेट्राथायोनेट। सब कुछ बताया कैसे नाम आया है सर? वो Na2SO3 के बाजू में क्या लिखा है ऊपर? 2 लिखा होगा, ठीक है। ये वाला सर रिएक्शन में नहीं, ऊपर सेंटेंस में Na2S4O6 के ऊपर लिखा है। Content? नहीं सर, वो ऊपर लिखा है ना यहाँ Na2SO2O3 hyposolution Na2SO3, वो जो ऊपर वाला सेंटेंस लिखा है, ये लिखा आयोडीन इज यूज्ड फॉर टाइट्रेशन ऑफ अननोन रिड्यूसिंग एजेंट लाइक Na2S2O3 हाइपो सॉल्यूशन दिस ओके। हां सर, वो लास्ट वाला ही क्या है एक्सेप्टर के पहले वाला Na2ASO3, ये नहीं समझ में आ रहा? हां सर, दिख नहीं रहा था अच्छे से। Na2ASO3 सोडियम आर्सेनाइड, ठीक है, कर लोगे? हां सर, Na3ASO3 होगा एक्चुअली, सॉरी गाइस, सही करो इसको, क्योंकि प्लस थ्री होता है ना वहां पे, प्लस थ्री और प्लस फाइव, Na3ASO3 और Na3ASO4 दो होते हैं। तो Na3ASO3 में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? प्लस थ्री। और ऑक्सीडाइज होकर किसमें जाता है? प्लस फाइव में। ऑक्सीडाइज होकर किसमें जाता है ये बोलो? हाँ किसमें गया?
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आगे बढ़ूं बताओ, यहाँ पे जब एंड पॉइंट आएगा तो क्या होगा? आइडियोमेट्रिक ट्रेडिशन में मिलीक्विलेंट ऑफ आई टू, मिलीक्विलेंट ऑफ व्हाट बराबर होगा कि नहीं होगा? एग्री? एनी डाउट? क्या इक्वल होगा? इसका एंड फैक्टर कितना है बच्चों बताओ आई टू का? व्हाट इज द एंड फैक्टर कितना है? वन? कैसे वन है देखो, कैसे वन है देखो, प्लस 2.0 दैट इज 2, और यहाँ पे कितना है? 2.5। हाँ तो दो अगर यहाँ पे सल्फर है तो कितना होगा चेंज वन का? तो क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन है 1.27 ग्राम आयोडीन डिजॉल्व्ड इन, अभी करता हूं रुक जाओ, इन 100 ml सॉल्यूशन ऑफ Na2H2O3 फॉर कंप्लीट रिएक्शन। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ हाइपो सॉल्यूशन। चलो स्क्रॉल कर देता हूँ, लो कहाँ पे तुमको स्क्रॉल चाहिए बताओ, वेर यू नीड स्क्रॉल? सर मेरी ट्रैक्टेशन। हाँ ठीक है लिखो, यही तो है, देख रहा है स्क्रीन? यस थैंक यू सर। क्वेश्चन दिखा दो एक बार, क्वेश्चन दिखाऊं? देखो लो क्वेश्चन, सॉल्व तो करो उसको, देखने से क्या होगा। बोलो भाई आंसर्स क्या है? अरे यार इतना अच्छा सवाल दिया है उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा इक्विवेलेंट क्या होते बताओ ड्राई फॉर्म में? वेट अपॉन इक्विवेलेंट, इसको बोलते ड्राई फॉर्म, क्यों? सूखा सूखा डाला ना, सूखा सूखा देखो, और वेट फॉर्म में इक्विवेलेंट क्या होते हैं? यही होते हैं ना, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अगर मिली इक्विवेलेंट होंगे तो क्या करना पड़ेगा? इनटू 1000, यस और नो? बोलना भाई, इसके क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम इन ml, यस और नो? सही है ना? तो ये ड्राई है और ये वेट है, ड्राई और वेट अगर ये बराबर हो गए तब भी क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइजेशन। जैसे इसमें ड्राई आयोडीन लिया, उसको किसमें डिजॉल्व किया? पानी में, और वो जो सॉल्यूशन था वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया, सीधे आयोडीन उठाया और उसको हाइपो सॉल्यूशन में डाला, और इतना आयोडीन डाला धीरे धीरे करके ताकि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो। कितना आयोडीन लगा? 1.27 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डज दिस मीन? क्या मतलब है इसका? सर वापस क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन ये है कि 1.27 ग्राम आयोडीन जो डिजॉल्व किया
100 ml सॉल्यूशन ऑफ हाइपो सॉल्यूशन में ताकि कंप्लीट रिएक्शन हो जाए। क्या रिएक्शन होती है क्या हाइपो और आयोडीन में, ये पता होना चाहिए ना तुमको, तभी तो समझ में आएगा क्वेश्चन। ये रिएक्शन होती है ना? हाँ सर होती है। और ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई, कितना आयोडीन लगा? 1.27 ग्राम। मतलब 1.27 ग्राम आयोडीन को जब 100 ml हाइपो सॉल्यूशन में डिजॉल्व करा तो रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इसका मतलब जो आयोडीन के मिली इक्विवेलेंट्स है वो किसके बराबर हो गए? Na2H2 के मिली इक्विवेलेंट्स के, तभी तो रिएक्शन कंप्लीट हुई। तो बस हो गया सवाल, यहीं से तुम्हें सॉल्व करके इस हाइपो सॉल्यूशन की मोलरिटी बतानी है। मोलरिटी ऑन क्या लिख दिया मैंने, मोलरिटी गाइज। आप बताओ क्वेश्चन, देखो आंसर आ गया प्रणव हांडे का 0.2। तो आयोडीन जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है तो वो रिड्यूस होता है, रिड्यूस होकर आयोडीन मिनिमम आई माइनस में जा सकता है, यस और नो? उससे नीचे जाएगा क्या? क्या उससे नीचे जाएगा आयोडीन? नहीं ना, रेंज है ना -1 to +7, तो अगर -1 में ही जाएगा तो उससे नीचे तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? मिली इक्विवेलेंट ऑफ आई टू इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो। आयोडीन के मिली इक्विवेलेंट के लिए डायरेक्टली लगाओ डब्ल्यू अपॉन ई इंटू 1000। मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2 लगाओ नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। वेट कितना आयोडीन का, हाउ मच वेट यू हैव टेकन? आयोडीन का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट आयोडीन का कितना होता है? 127 into 2। हाँ आयोडीन जो है ना वो इसका जो मोलर मास है वो निकालना है अगर तुमको, ये आयोडीन का है 127, I2 का कितना होगा 254। तो यहाँ पे मैंने लिखा इक्विवेलेंट वेट के लिए n फैक्टर कितना है, व्हाट इज द n फैक्टर ऑफ आयोडीन इन दिस रिएक्शन, कितना है 2। और नॉर्मलिटी निकालनी, वॉल्यूम कितना लगा है हाइपो का, 100 ml। हाँ कितना लगा, 100 ml। सॉल्व करो बताओ मुझे आंसर क्या आएगा। इतनी सॉल्विंग तो कर लेते होगे ना, 0.1 आया कि नहीं आया? सर 0.1, हाँ सर आ गया। वेरी गुड। प्रणव मांडे का 0.2 कैसे आया जल्दी बताओ, प्रणव मांडे क्या गलती करी थी, क्या गलती करी थी तुमने बताओ, सूखे के लिए बराबर नहीं कर पाए? मैंने नॉर्मलिटी निकाल के नॉर्मल सुनाई नहीं दिया, तुम्हारा नेटवर्क नहीं सही था। जो भी गलती है उसको सही कर लो। ओके किसी बच्चे को डाउट आ रहा है क्या इसमें? Any doubts? Anyone? No. अच्छा तो क्या इसमें जो है ऐसी बात लग रही जो दिक्कत करती है? Yeah. हाँ मैं तुमको फिर समझा देता हूँ। 12 नंबर देखो सुनो, अरे ये बताओ ये रिएक्शन कैसी हो रही है, इनके बीच कोई रिएक्शन होगी क्या? इज देयर रिएक्शन, यस और नो? यस, कैसी रिएक्शन, रेडॉक्स और नॉट? यस, तो अगर रेडॉक्स रिएक्शन है तो क्या लिखेंगे, मिली इक्विवेलेंट्स बराबर होनी चाहिए कि नहीं रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, यस और नो? कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आयोडीन? कौन सी रिएक्शन होती है ऊपर जो लिखी है उसको दिखा नहीं रहा हूं बार बार। इस रिएक्शन में I2 का एन फैक्टर कितना होता है 2, हाइपो का कितना होता है 1। रिएक्शन कंप्लीट होने पे क्या होगा, मिली इक्विवेलेंट्स I2 के Na2H2 के बराबर होंगे। आयोडीन तुमने सूखा डाला है ड्राई फॉर्म में, वेट के फॉर्म में, तो वेट वाले का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000, क्योंकि यह मिली इक्विवेलेंट करने के लिए, याद रखना 1 to 1000 करना वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से I2 का मोलर मास निकाला, इट्स वेरी 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 इजी थिंग, इसमें क्या दिक्कत है बताऊँ? एन दिया था क्वेश्चन में, पूछा है वॉल्यूम 100 ml दिया है, एवरीथिंग इज दिया है,
सॉल्व किया आंसर है, तुम बताओ क्या है इसमें, ये बताओ मुझे, तुम मुझे ये बताओ मैं क्या बताऊँ, वट आई हैव टू गिव यू। क्या ये पता नहीं चल रहा कि रेडॉक्स रिएक्शन है बच्चे? अगर रेडॉक्स रिएक्शन है तो दोनों चीज़ों के मिलिक्वलेंट बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अगर दोनों के मिलिक्वलेंट बराबर होने चाहिए तो फिर वो लिखना पड़ेगा ना, इसका मिलिक्वलेंट का वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट एन इन टू वी। सॉल्व करो, तुम ऐसे पूछो ना कि सर मुझे ये तो समझ में आ रहा, मुझे ये बताइए, ऐसे बताओ ना कुछ, तुम्हें पूरा ही नहीं समझ में आ रहा तो इसमें क्या समझाऊँ मैं, समझ तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि रिएक्शन होती है, रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट बनता है तो एन फैक्टर क्या होता है इसका, दो, इसका एन फैक्टर क्या होता है वन, और इस रिएक्शन में इनके मॉलिक्यूल्स आपस में बराबर होने चाहिए। कौन बोलता है ये, कौन बोलता है, हु टेल दिस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट, ऑफ इक्विवेलेंस या लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, ये लॉ बोलता है कि जब कुछ रिएक्शन होती हैं उनके आपस में इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं। अब बताओ क्या दिक्कत है, कहाँ पे तुम्हें समझ में नहीं आता है ऑल ऑफ यू गाइस, उसको प्लीज जस्ट यू हैव टू फाइंड। अभी तुम्हें काम क्या करना है, तुम्हें रिवाइज करके आना है एन फैक्टर कैलकुलेशन, वो तुम लोग को कम समझ में आ रहा है। Everything is there in the notes. Reaction balancing नहीं revise करना है, reaction balancing में जो reactions use करी हैं उनको पढ़ के आओ, different different reactions क्या हैं। तीसरा काम तुम्हें करना है, तीसरा काम करना है normality, molarity, इस पर question solve करो एन अवस्थी से level वन। इससे एन अवस्थी से नहीं मिल रहे हैं तो जील की बुकलेट है ना, जील की जो बुकलेट है उसमें है कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट का पीडीएफ भेज दोगे किसका, एन अवस्थी का, उसका भेजता हूँ, सॉरी मैं भूल गया था किसी ने मांगा था, भेजता हूँ मैं। हाँ अभी बता लेने दो फिर तुमको ऊपर का दिखा देता हूँ। जील की बुकलेट में बेसिक कॉन्सेप्ट सब केमिस्ट्री करके मिली होगी है, उसमें मोलरिटी नॉर्मलिटी वाले सवाल ढूंढ के सॉल्व कर लो। यू हैव टू बी वेरी लाइक, तुम्हें सब कुछ आना चाहिए नॉर्मलिटी मोलरिटी के बारे में, तभी समझ में आएगा। उसके बाद आज की क्लास जो है, टुडेज क्लास है ना, टुडेज क्लास जो है इसके भी नोट्स रिवाइज करो फिर। और क्योंकि मैंने रेडॉक्स में सेक्शन सी तक दिया था ना सवाल, कितने लोग ने सबमिट किया है सेक्शन सी, कितने लोग को डाउट्स नहीं आए, हैंड रेज करो। डाउट्स आए हैं तो उनको फिर हम लोग क्लियर करेंगे नेक्स्ट डाउट क्लास में। सेक्शन सी सॉल्व किया कि नहीं किया, सेक्शन सी नहीं करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। एवरीथिंग इज वेस्ट इफ यू डोंट डू सेक्शन सी ऑफ द रेडॉक्स 3 असाइनमेंट। रेडॉक्स 3 असाइनमेंट दिया है मैंने, काफी बढ़िया बढ़िया ना, क्या बहुत बार भेज चुका हूँ, तो रोज भेजता हूँ उस पर एक दो बार। किस बैच में नहीं भेजा मैं बताओ। हाँ सर भेजा मैंने, आधा सॉल्व कर लिया। सॉल्व करना पड़ेगा ना सबको। और बोलो और बोलो। हाँ स्क्रॉल अप अच्छे, हाँ तुम्हारा तो भूल ही गया था ना, कहाँ पे करूँ बताओ, विच पोजीशन। ए और बी डन हो गया, अच्छी बात है। वन सेक्शन सी नहीं करोगे तो आज की क्लास समझ में नहीं आएगी, इसीलिए तो दिया था यार, तुम लोग करते नहीं हो फिर बोलते हो समझ में नहीं आता, इसलिए तो दिया था ताकि सेक्शन सी करोगे तब तो आज की क्लास में समझ में आएगा। उसमें सब कुछ यही है जो आज क्लास में इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो। एन फैक्टर कैलकुलेशन है, उसमें सवाल, उसमें रिएक्शन याद हो जाएंगे, प्रैक्टिस करोगे उसमें, उसमें ये सारी रिएक्शन है, डाइक्रोमेट की है, फॉस्फेट्स की है, और परमैंगनेट आयन की है, आयोडीन की है। हाँ उसके बाद में मैंने जो है एक पीडीएफ बना के भेजा है, उसके बाद का भी असाइनमेंट, उसको भी नहीं सॉल्व किया तुम लोग ने, भेजा है कि नहीं एक और नेक्स्ट असाइनमेंट पीडीएफ बना के, ये सुनो क्या करते क्या हो घर में तुम लोग, ये नहीं समझ में आ रहा है। देखो एक भेजा है मैंने, क्या नाम था उसका यार, अब उसके आगे का क्या भेजूं, अभी वही नहीं कर पाया तो। पीडीएफ कौन सा था सर, पीडीएफ कौन सा था, जितने दिन हो गए हैं बताओ, अभी तक सबमिट नहीं किया। 23 अप्रैल को भेजा है मैंने, रेडॉक्स 4 नाम है उसका, सर्च करो आ जाएगा, बताओ अभी तक आपने सेवर्ड्स में नहीं भेजा।
सीयूट्स में नहीं भेजा है, नॉन एंटी में सब में भेजा है मैंने। सर आपने भेजा है भाई, तो नॉन एंटी में सोच समझ के भेजा था ना मैंने, ऐसे जल्दी में नहीं किया था। नॉन एंटी में भेजा है बच्चे, उसको कर लो, नहीं मिलता है तुम्हें रेडॉक्स को ढूंढने पे तो मुझे बताना। 23 अप्रैल को भेजा है, इट शुड बी देयर। रेडॉक्स 3 की आंसर की भी भेजी थी किसी ने, मांगी थी सीवुड वाले ने, है ना। 23 अप्रैल को भेजा है, डेट के साथ बता रहा हूँ। रेडॉक्स 4 असाइनमेंट अभी बताता हूँ उसमें क्या क्या है, एक बार सुन लो। इसमें जो है 4-5 क्वेश्चंस हैं, उसमें मैच द फॉलोइंग जो सब है ना। हाँ चलो, उसमें तुम्हें उसमें उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 उसका कराता हूँ। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड सॉल्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन देखो क्या है, एटॉमिक मासेस तो पता ही है तुमसे, तुमको पूछ लेना अगर नहीं पता है। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए है 90, ऑप्शन बी है 45, ऑप्शन सी है 64, ऑप्शन डी है 128। रेडॉक्स 4 में है ठीक है ये, 45। तो जल्दी बताओ, ध्यान से सुन समझ के बताओ, गलत नहीं होना चाहिए। क्या आंसर है, क्यों आंसर है बताओ, क्या आंसर है और क्यों आंसर है, एक्सप्लेन। बी है सर। कैसे एक्सप्लेन करो उसको। मॉलिक्यूलर वेट तो 90 है और एन फैक्टर सर 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है तो फिर एन फैक्टर 2 होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी। क्या इसमें रेडॉक्स रिएक्शन हुई क्या? No, sir. बस तो सिंपल हो गया, इसके 2 एचले प्लेस हुए। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि इसमें C2O4 आ गया तो क्या करें क्या करें, ऐसा नहीं है। तुमको देखना पड़ेगा क्या ये ऑक्सीडाइज हुआ नहीं हुआ ना, इट्स एक्टिंग एज ए एसिड ओनली। इसका एन फैक्टर कितना होगा, 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 2 हुआ और इसका 90 बताया हो तुमने, तो ये आंसर क्या आएगा, बी। यस और नो? करोगे? सर कैल्शियम का 40 होता है ना मॉलिक्यूलर वेट? ये 39 है उसका, ठीक है याद रखना। 19 पोटेशियम 39, 20 कैल्शियम 40, 18 आर्गन 40, लेकिन पोटेशियम का कितना है 39, याद रख लोगे? सर मैच द फॉलोइंग बता दो किसके, रेडॉक्स 4 के। मैच द फॉलोइंग किए हैं कि नहीं, ऐसे ही बता दो, ऐसे बता दूंगे तो कैसे काम चलेगा, पहले अटेम्प्ट तो कर लो। सर किया था सर पर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, कितने लोगों ने किया था हैंड रेज कर। कौन सा वाला तुम्हें नहीं है, तुम पूछो डायरेक्ट कौन सा नहीं आया। सर सेकंड वाला, उसमें क्या दिक्कत है यार, आज आज की क्लास पढ़ा दी, अब तो करना जाके अब हो जाएगा। अभी तो इक्विवेलेंस नहीं पता थे तुम्हें ना, पता हो गए। ठीक है सर। देखो सब्जेक्टिव भी इसमें भेजा है मैंने, सब्जेक्टिव सवाल जो है ना उनको अटेम्प्ट करो एक बार। देखो इसका क्वेश्चन नंबर जो 22 है ना वो KMnO4 वाला ही है, उसमें KMnO4 के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी है। KMnO4 एसिडिक मीडियम में क्या करता है, न्यूट्रल मीडियम में क्या करता है, बेसिक मीडियम में क्या करता है, एवरीथिंग इज देयर। कुछ उल्टा पुल्टा भी लिखा है तो बता देना मुझे, सही करा दूंगा। और क्वेश्चन नंबर 18 जो उसका है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
जैसे ये रिएक्शन दी है, इसमें इसका एन फैक्टर कितना होगा, जल्दी से बताओ बिना टाइम लगाए। B19 इसमें कहाँ है भाई? B19 किसमें है? रेडॉक्स 3 में होगा ना? एक मिनट, रेडॉक्स 3 के लिखा है क्या? हाँ, इसका आंसर कितना आया? B19। B19 देखो क्या है, सर एन फैक्टर 3/2 हो गया। क्या एन फैक्टर आया? क्या 3/2? ऐसे किया था कि नहीं पहले बताओ? -2, -3, 0 ऐसा किया था? यस सर। कितने का चेंज यहाँ पे? 1 का। 2 के लिए कितने का? 2। यहाँ पे कितने का चेंज? 2। एंड 1 एंड 2 कितना आया? 4। यस सर। बताओ एन फैक्टर कितना आएगा? 8/6 हो गया। इस क्वेश्चन को देखो क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। इसमें क्या दिक्कत है यार? +3 से +4 गया, -1 से -2 गया, कितने का चेंज बोलो जल्दी? 1 का। अरे 2 के लिए फिर कितने का चेंज? 2। नीचे कितने का चेंज? 2। अच्छा यहाँ पे थोड़ी गलती इन्होंने क्या करी, यहाँ 2 है तो यहाँ पहले से 2 लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? ये एक्स हटा दो, इसकी बात बाद में कर लेंगे, हाँ इसकी बात बाद में कर लेंगे। और ये वाले -1 से 1 का चेंज, पूरा 2 का चेंज, ये चेंज तो बराबर है, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे कितने O2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, चेंज जो हो रहे हैं 1, इधर कितने 2, तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा? 2। बैलेंस करने के पहले की बात बता रहा हूं मैं, यहाँ 2 ऑक्सीजन तो यहाँ कितने करने पड़ेंगे, इसमें 2 ऑक्सीजन, ये वाली तो बैलेंस है ना चीज, ये जो दे रहा ना, बोलो। यस सर। कोई दिक्कत नहीं है ना, अबे फिर क्यों दिक्कत करते हो, फिर तो हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया? yes, बैलेंस है कि नहीं है? yes, हो गया, फिर तुम्हारा काम ऐसे करना है। देखो कितने अच्छे अच्छे सवाल दिए हैं, बी बी वाला सेक्शन कितने लोगों ने नहीं किया, हैंड रेज करो अपना। बी सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो बी सेक्शन के क्वेश्चन नंबर 17 में ही दिया है, MnO4- + Fe+2 गिव्स Fe+3 दिया कि नहीं दिया, आज वही करा रहा था मैं। MnO4- C2O4 को किसमें करता है, CO2 में। एवरीथिंग इज रिटन इन दिस डॉक्यूमेंट, कितनी रिएक्शंस दिए हैं, इनको कर लोगे तो कोई सवाल छूट गएगा ही नहीं तुमसे, कर नहीं दे उसको। लेकिन टाइट्रेशन के सवाल भेजता हूं मैं, पहले तुम सेक्शन 3 करो और रेडॉक्स 4 करो, उसको सबमिट करो देन। और बताओ एनी डाउट्स, और कोई डाउट्स है? सबमिट करें एनओसी भेजेंगे सर, एनओसी आई विल सेंड ऑन द ग्रुप, एंड फिर जो है आगे टाइट्रेशन पढ़ाएंगे, उसमें क्या रहेगा, आयोडोमेट्रिक रहेगा, ये आयोडीमेट्रिक था वो आयोडीमेट्रिक होगा, उसके बाद में फिर डबल टाइट्रेशन है, बैक टाइट्रेशन है, देन वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 है, और एक है ओलियम वाला, बस एडवांस के लिए इतना है बस, देन हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसके बाद तो क्लास होगी नहीं, आई होप। बाय बाय, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थोड़ा रिवाइज करो।